जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2024 एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि गाइज आपका यहाँ पर आज की डेट में आने वाला है। बट यहाँ पर गाइज आपको एक अपडेट और दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर अभी एक्स के ऊपर या फिर कह लीजिए कि ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर रिसेंटली एक ट्रेंड हो रहा है नीट पीजी 2024 को लेकर के, जहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ये मांग कर रहे हैं कि जो दो सेशन के अंदर एग्जाम होने वाला है आपका 11 अगस्त 2024 को, उसको एक शिफ्ट के अंदर किया जाए। और इसको लेकर के वो अपने पोर्टल पर जाकर के, यानी कि जहां से उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वहां पर क्वेरी रेज कर रहे हैं कि हमें यहां पर एग्जामिनेशन डे में, यानी कि जो प्रॉब्लम कैटेगरी उसमें एग्जामिनेशन डे सेलेक्ट करना है। और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यहां पर ये बोल रहे हैं कि हमें फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम चाहिए, यानी कि वांट फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एज इट वाज देयर फॉर द प्रीवियस ईयर। सडन चेंज इन द एग्जाम पैटर्न एंड टू शिफ्ट हैज रियली अफेक्टेड मी मेंटली। यानी कि यहां पर अलग अलग वे में जो कैंडिडेट है वो अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर रहे हैं, बट सभी का कहना यह है कि यहां पर दो शिफ्ट के अंदर एग्जाम ना हो और एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम होना चाहिए। और कुछ कैंडिडेट का ये भी कहना है, यहां पर जो मैंने अभी अपडेट पढ़े, कि वो ये चाह रहे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए और चांसेस भी है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर के नहीं आया है, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट 11 अगस्त 2024 है और टू शिफ्ट के अंदर ये होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफिशियल वे में। और अभी तक ये भी ऑफिशियल नहीं है कि एक शिफ्ट के अंदर होगा भी या फिर नहीं, पर अगर अभी इस जो नोटिस आया होता है इस नोटिस के अकॉर्डिंग जाए तो टू शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा 11 अगस्त 2024 को, और आज 8 अगस्त है, यानी कि आज की डेट में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आना है। किसी भी वक्त आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अभी वैसे लिंक तो एक्टिवेट है पर एडमिट कार्ड आपके अपलोड नहीं किए हैं, तो उसको आपको कैसे डाउनलोड करना होगा मैं आपको बता देता हूं अभी वर्बली, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप ओपन करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के नीट पीजी 2024 एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक ओपन कर लेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आप आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए, या फिर जब आप पासवर्ड डाल रहे हो और वो गलत आ रहा हो तो आप रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यूजर आईडी यहां पर डाल करके ये कैप्चा कोड डालेंगे और रिसेट पासवर्ड कर लेंगे, फिर आप उसके माध्यम से लॉगिन करेंगे और यहां पर आ जाएंगे। और गाइज अगर आपको यहां पर आपकी जो क्वेरी है वो रेज करनी है कि आप फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम चाहते हैं, यानी कि एक ही शिफ्ट में, तो फिर आप हेल्प डेस्क के सेक्शन ऊपर जा सकते हैं और यहां पर आपको क्लिक हियर टू रेज क्वेरी टिकट इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको प्रॉब्लम कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, पर अभी मैं जो देख पा रहा हूं कि यहां पर प्रॉब्लम कैटेगरी आ चुकी है, तो एग्जामिनेशन डे एडमिट कार्ड जिसको भी लेकर के आपको ये रेज करनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहां पर जो भी आपका जिस तरह का प्रॉब्लम है वो आप जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए और फिर आपका जो स्टेटमेंट है वो दे दीजिए। और यहां पर जो स्क्रीनशॉट आप शेयर करना चाहते हैं इनको लेकर के या फिर कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो आप अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि आपका 11 अगस्त के अंदर ही एग्जाम होना चाहिए या फिर वन शिफ्ट के अंदर होना चाहिए, क्या आपको लगता है वो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा, आपकी ओपिनियन काफ़ी मैटर करती है। अभी तक तो एडमिट कार्ड नहीं आया पर आज की डेट में ही आना तय है। और गाइज अगर आपसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड न हो या फिर आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते तो आप कैसे कराएंगे वो भी आप जान लीजिए। ये जो लिंक दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको ओपन करने के बाद कमेंट में जानकारी मत देना, यहाँ पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है, इसलिए आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा, मैसेज में यूजर आईडी, आपका पासवर्ड और साथ लिखेंगे नीट पीजी एडमिट कार्ड 2024। तीनों इन्फॉर्मेशन देनी अनिवार्य है क्योंकि उनके बिना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो गाइज ये थी कंप्लीट जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। और आपकी क्या क्वेरीज है, आप क्या चाहते कि ऐसा हो, आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो या फिर आपका एग्जाम पोस्टपोन हो या फिर आज की डेट में ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो अपडेट कर दिया जाए वेबसाइट के ऊपर, तो जो भी आपकी ओपिनियन है वो आप कमेंट के माध्यम से शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।